नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लाइटर को घर पे किस प्रकार से भर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पे मेरे पास ये काफ़ी सारे लाइटर पड़े हैं, जिसमें दोस्तों ये जो लाइटर है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें यहाँ पर तीन चैम्बर बने हुए हैं जिसके अंदर गैस है। और ये मैंने दोस्तों ऑनलाइन मंगवाया था, 300 रुपये का ये मेरे पास आया था। तो ये जो है वो काफ़ी तेज़ जलता है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए ये काफ़ी तेज़ जलता है और ये जल्दी से खाली भी नहीं होने वाला। लेकिन जो ये वाले लाइटर हैं, अक्सर हम 10-20 रुपए में लेके आते हैं, तो ये लाइटर है वो काफ़ी जल्दी खाली हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, ये भी खाली है, ये भी खाली है बिल्कुल, और ये भी खाली है। तो इन लाइटर को हम घर में इजीली भर सकते हैं। तो इनको भरने के लिए हमें सिंपली कुछ इस प्रकार के गैस के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें ऑनलाइन मिल जाता है। और इस एक सिलेंडर से दोस्तों हम काफ़ी बार इन जो ये छोटे वाले लाइटर हैं इनको इजीली भर सकते हैं। तो ये मैंने इसके लिए मंगवाया था। और दोस्तों, इसको भरने के लिए हमें एक नोज़ल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वैसे अगर आप मार्केट से लेके आते हो तो 10-15 रुपए की होती है, क्योंकि उसमें कोई खास टेक्निक या मैकेनिज्म नहीं होता, बस वो इसमें फिट आ जाती है और इधर इसमें पीछे की साइड लग जाती है। लेकिन वो अगर हम ऑनलाइन लेना चाहो तो 150-200 रुपए की मिल रही थी और उसकी डिलीवरी भी काफ़ी लेट दिखा रहा था। तो मैंने घर पे ही एक जुगाड़ बनाया है जो कि कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्लास्टिक की ग्रिप है और यहाँ पे मैंने एक जो अपना पेन होता है उसमें जो हम रिफिल यूज़ करते हैं उसको काट के इसके अंदर एल्फी से चिपका दिया है, फेविक्विक से चिपका दिया है और इसको यहाँ तक रखा है, यानी कि ये जो पार्ट है इतना फ्री है यहाँ तक, और यहाँ तक ये जो है रिफिल मैंने फंसाई है ताकि जब मैं इसको नीचे की तरफ दबाऊं तो ये भी दबना चाहिए, जिससे कि यहाँ से सिंपली गैस निकलेगी। तो दोस्तों, ये ब्यूटेन का सिलेंडर आता है, पोर्टेबल गैस कार्ट्रेज, ठीक है, ब्यूटेन मिक्स। तो इसको सिंपली हम काफ़ी बार यूज़ भी कर सकते हैं और ये 150 से 200 रुपये के बीच इजीली मिल जाएगा और इससे आप कितनी भी बार इनको भर सकते हो, इसको भी सिंपली हम भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाया। तो इसका क्या करना है कि ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको सिंपली हम इस प्रकार से इसमें लगा देंगे और लगाने के बाद जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये देखना आप गैस रिलीज होगी इसे, देखिए आप शायद आई थिंक दिख रही होगी। तो अब दोस्तों ये जो ये देखिए ये बिल्कुल खाली है। दूसरा जो इसका हिस्सा है जो मैंने जुगाड़ टेक्निक बनाई है, आप भी बना सकते हो, घर में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो तो उसको सिंपली यूज़ करके इस प्रकार से बना सकते हो। तो इसको यहाँ पे लगाना है और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा दबाना है, क्योंकि जब ये दबेगा तभी इसके अंदर गैस जाएगी। तो ये देखिए इसके अंदर होपफुली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। तो जैसे मैं दूसरा जिसमें हो थोड़ी सी गैस वो दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए, तो इसको दबाएंगे तो अंदर जो गैस है वो निकलेगी, अदरवाइज़ इसके अंदर एयर वगैरह होती है वो भी निकल जाएगी, ये देखिए। तो सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे ये वाला जो लाइटर है वो बिल्कुल खाली है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वाला जो इसका पतले वाला हिस्सा है वो यहाँ पे लगाऊँगा और ये देखिए इसके अंदर जो एयर थी वो निकल चुकी है और दूसरा हिस्सा इसको मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद दोस्तों क्या करना होता है कि इसको उल्टा करना होता है, हालांकि ये एक जुगाड़ टेक्निक है, इस वजह से ये ज़्यादा प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ये पूरा इसको नहीं भर पाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं नोज़ल ऑनलाइन मंगवा लेता या अगर आप भरना चाहते हो तो अगर आप ऑनलाइन मंगवा के इससे भरते हो तो ईज़िली वो पूरा भर जाएगा आपका 2-3 सेकेंड के अंदर ही, ठीक है, लेकिन इससे भी काम चला सकते हैं। दोस्तों क्या करना है कि इसको इस प्रकार से यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद इसको उल्टा कर लेना है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है तभी ये जाएगी, अदरवाइज़ ये इसमें नहीं जाएगी। तो इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे की तरफ दबा के रखता हूँ और इसको ऊपर से प्रेस करूँगा, तो ये देखना, तो ये देखिए बिल्कुल खाली था ये और इतनी गैस इसमें आ चुकी, हालाँकि बाहर भी लीक हुई है काफ़ी सारी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है ये जुगाड़ टेक्निक है, ये मैंने वैसे ही बनाया। तो मैं इसको जला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए प्रॉपरली जल रहा है। तो इसी प्रकार से ये बिल्कुल खाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसमें भर के दिखाता हूँ आपको। इसको ऐसे लगाएंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा उल्टा, क्योंकि ये मैंने पेन का जो रिफिल होता है उसको काट के यहाँ पे लगाया, तो इससे प्रॉपरली जो है वो ग्रिप नहीं बन पाती, अदरवाइज़ यहाँ पर पूरा अगर रबड़ होता तो ये गैस जो है वो लीक नहीं हो रही होती। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसी वजह से इसमें नहीं आ रही है। ये देखो इसमें हल्की सी तो आई है,
थोड़ा सा ये सिलेंडर मेरे हाथ से छूट गया था, फिर से भरने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए दोस्तों काम चलाओ गैस इसमें आ चुकी है। अब मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ। हो सकता है कि ये काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा हो तो ख़राब हो गया हो, अदरवाइज़ ये देखिए जलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी जो है वो घर पे इनको रिफिल कर सकते हो इजीली। ये मेरे पास एक जुगाड़ टेक्निक थी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए थी कि हम इस प्रकार से भर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप भरना चाहते हो तो आप प्रॉपर जो नोज़ल आती है इसकी उसी से भरना। उसमें काफ़ी सारे जैसे 6-7 नोज़ल एक साथ आती है, तो जैसे इसका अगर ये मोटा या पतला हो तो उसमें भी फिट हो जाएगी। इसके अलावा जो ये चीज़ होती है ये भी मोटी पतली हो सकती है अलग अलग लाइटर में, जैसे इसका शायद नहीं, इसका तो सेम ही है। इससे जो अलग लाइटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं जो गैस चलाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग नोज़ल हो सकती है। तो उसमें सारा का सारा बंडल आता है, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से आप इजीली मंगवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।